हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग को पता चल गया होगा कि आज का वीडियो मेरा कौन सा है। तो यस, आज मैं आप लोग के लिए फाइनली लेकर आ गई हूँ मेरा ब्लाउज कलेक्शन का वीडियो, जो कि मैं बहुत ही दिन से सोच रही थी कि अपना ब्लाउज कलेक्शन का वीडियो आप अच्छा शेयर करूँ, तो नहीं हो पा रहा था, नहीं कर पा रही थी कुछ रीज़न्स की वजह से। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा घर बन रहा है, तो इसी वजह से शेयर नहीं कर पा रही थी। तो मैंने फाइनली आप लोग के लिए अपना ब्लाउज कलेक्शन वीडियो लेकर आ गई हूँ मैं। और वैसे तो ब्लाउज बहुत है मेरे पास, पर कुछ डिज़ाइनर ब्लाउज, ऐसे ब्लाउज जो हर साड़ी के साथ चल जाते हैं, तो वो ब्लाउज मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ब्लाउज है मेरा ये, गोल्डन ब्लाउज है। एंड ये ब्लाउज हर साड़ी के साथ चल जाएगी, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और इसका जो वर्क है देख सकते हैं आप लोग, इसका जो वर्क है कुछ इस तरह का है। एंड ये पूरे में बना हुआ है, मतलब ये पीछे तक जाता है इसका वर्क, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड इसमें आपको नेकलेस पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और या फिर आपको कुछ भी गले में पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये ऐसा आपको लुक देता है कि आपने कुछ गले में पहना हुआ है। और इसका वर्क जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। देख सकते हैं आप लोग, इस तरह का वर्क है इसमें। ये पीछे से कुछ इस तरह का दिखता है। एंड इसकी खास बात यह है कि हर एक साड़ी में आप इसे पहन सकते हो। अगर आप प्लेन साड़ी वेयर कर रहे हो, या फिर आपको कोई बॉर्डर वाली प्लेन साड़ी आप पहन रहे हो, तो उसके साथ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और बहुत ही ज़्यादा आपका अच्छा लुक देता है ये। अगर आप प्लेन बॉर्डर साड़ी में इसे पहनते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं ये इसे हर साड़ी के साथ पहन लेती हूँ। लाइक कोई भी साड़ी अगर उसमें गोल्डन बॉर्डर रहती है, या फिर ऐसे ही जो प्लेन साड़ियाँ रहती है उसके साथ भी मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देता है ये वाला। और ये मैंने अंडर 350 के अराउंड ही किना था, और इसके साथ इसके स्लीव्स नहीं लगे हुए थे, तो इसके स्लीव्स के जो कपड़े थे वो इसके अंदर थे ब्लाउज़ के। क्योंकि बहुत लेडीज़ जो होती है वो विदाउट स्लीव्स पहनती है ब्लाउज़, उन्हें पसंद होता है पहनना, लेकिन बहुत जो होती है वो नहीं पसंद करती है, तो इसीलिए स्लीव्स नहीं लगे हुए थे। तो मैंने इसे स्टिच किया था खुद से ही, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये। इसे मैं कभी पहनूंगी तो वो पिक आप लोग साथ शेयर करूंगी, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये ब्लाउज़। और इसका ये वर्क मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये वर्क मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इसका। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। एंड जो सेकंड ब्लाउज़ है वो है ये ब्लाउज़, और ये ब्लाउज़ को मैंने अभी तक नहीं पहना है। मे भी ऐसा कोई मौका नहीं आया पहनने का जो मैं इसे पहनूं। और इसे मुझे लगता है कि इसके स्लीव्स जो है थोड़ी सी फिटिंग करनी होगी इसे, क्योंकि ये थोड़ा सा लूज़ होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड अभी तक मैंने इसे नहीं पहना है, और ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये मैंने किसी साड़ी के मैच का लिया था, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और ये अगेन पैडेड ब्लाउज़ है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगती है। और इसका जो गला का डिज़ाइन है वो प्लेन है, कोई डिज़ाइन नहीं है, बट इस ये जो ब्लाउज़ है प्रिंसेस ब्लाउज़, तो ये है प्रिंसेस ब्लाउज़, और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसका बैक कुछ इस तरह का है, आप लोग देख सकते हो, सिंपल है ये, सिंपल सा ब्लाउज है ये। रेड गोल्डन या फिर रेड साड़ी में पहन सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब मैं जो आप लोगों को दिखाऊंगी वो ये थर्ड नंबर ब्लाउज़।
इसके फ्रंट में बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है, कॉटन का है कपड़ा, फ्रंट बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है इसके आगे। एंड इसका जो भी डिज़ाइन है वो इसके बैक में है, आप देख सकते हो। ये भी ब्लाउज मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड ये मेरा फर्स्ट गोल्डन ब्लाउज है, यस। तो गोल्डन ब्लाउज के पीसेस तो वैसे मेरे पास और भी रखे हुए हैं जिसे मुझे स्टिच करनी है। एंड जो मेरे पास है गोल्डन ब्लाउज वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। तो ये है मेरा थर्ड नंबर गोल्डन ब्लाउज, जो कि ये थर्ड नंबर ये नहीं है, ये मैंने सबसे पहला जो अपना गोल्डन ब्लाउज किना था तो वो था ये। और इसकी जो स्लीव्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, तो मुझे उतनी ज़्यादा बड़ी स्लीव्स अच्छी नहीं लगती है, तो मैंने इसे अपने हिसाब से इसे स्टिच किया था खोलकर। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है इसकी स्लीव्स, आप लोग देख सकते हैं उसकी स्लीव्स में कुछ इस तरह के डिज़ाइन है। ये नेट का कपड़ा है और ये नेट का कपड़ा पूरे ब्लाउज़ में लगा हुआ है ये नेट, और इसमें मोतियों का काम किया हुआ है इसके स्लीव्स के बॉर्डर में, इसमें मोतियों का काम है जो कि काफ़ी अच्छा लुक देता है। एंड इसके बैक के नीचे भी मोतियों का डिज़ाइन दिया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, इस तरह का डिज़ाइन है। और ये निकल गया है, और इसका जो बैक का डिज़ाइन है, इसका जो बैक का डिज़ाइन है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मैंने अराउंड 250 या फिर 300 के अराउंड किना था इससे, और इसकी डोरी कुछ इस तरह से स्टिच की हुई है। तो बस ये है मेरा थर्ड ब्लाउज, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा ब्लाउज मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और अब मैं जो आप लोग से शेयर करूँगी वो है ये ब्लाउज़, यस। ये सिंपल सा ब्लाउज है पर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, ये पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लुक देता है गाइस। और अगर आप ब्लैक साड़ी पहन रहे हो या फिर गोल्डन पहन रहे हो प्लेन, तो आप इसमें ये वाली ब्लाउज पहन सकते हो, ये काफ़ी अच्छा है। और ये सिंपल कटोरी कट ब्लाउज़ है, लेकिन ये जो ब्लाउज़ है ये मैं बताऊँगी कि ये ब्लाउज़ बहुत ही अच्छा बैठता है, इस तरह का है ये कटोरी कट ब्लाउज है। एंड इसका जो बैक है वो कुछ इस तरह का है, सिंपल सी गोल्ड डिज़ाइन है बैक में इसका, इसमें कुछ तामझाम नहीं है, गोल्ड डिज़ाइन है। और या और इसका काम जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है, एंड बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये ब्लाउज है स्टिच किया हुआ, आप देख सकते हो कटोरी कट ब्लाउज है और काफ़ी अच्छा है, और इसका काम जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है गोल्डन एंड ब्लैक में। तो गाइज आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा ब्लाउज अच्छा लगा है। और ये मैंने सारे जो है ये लोकल मार्केट से ही ख़रीदा है, तो ये सब के प्राइजेस भी मैंने इस वीडियो में बता दिया है, कौन से ब्लाउज मैंने कितने में लिया है। तो यही था मेरा आज का वीडियो, और आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो छोड़ूँ तो सबसे पहले आपको मिले। एंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।